हम लोगों ने देख लिया था कि भारत के पड़ोसी देश क्या है, उनकी अवस्थिति क्या है भारत की। इसके पहले देशांतर रेखा, छांस रेखा, इन सभी चीज़ों को क्रम से पढ़ते हुए आ रहे थे। तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। परिचय का मतलब क्या है कि परिचय देने के लिए बहुत सारा कुछ परिचय बचा ही है। इसकी एक एक किताब आती है भारत भूगोल के नाम से, माधुसैन की देख लीजिए, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमें बस सामान्य परिचय पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है ताकि आप एक सहायक अध्यापक बन जाए, मतलब आप अपने एम में कामयाब हो जाए। पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी, लोग पीएचडी करते इसी से, लेकिन हम लोग को उतना ही पढ़ना जितने से हमारा और आपका काम निकल जाए। तो हमने भारत के परिचय में भारत के पड़ोसी देश की सीमाओं को पढ़ लिया था, उनकी लंबाई पढ़ लिया था और राज्यों के नाम पढ़ लिया था। उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो भारत की कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिनके समुद्र तल से भी लगी हैं, समुद्र से भी लगी हैं। अच्छा, ऐसा प्रश्न CET में भी इसी बार भी पूछा था, मतलब ये सब यूनिक प्रश्न है जो ऊपर से पूछे जाते हैं। तो भारत के समुद्र सीमा की जो कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसकी एक विशेषता है, इसमें क्या क्या है? देखिए, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो राज्य हैं वो भी सम्मिलित हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे जानते हैं द्वीप है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। जब लक्षद्वीप की राजधानी मुझे क्या है? कावरत्ती, कौआ, कौआरत्ती, कौरत्ती है। क्या नाम? कौरत्ती है। क्या नाम है इसका? कौरत्ती, कौरत्ती है, कौआ नहीं, कौरत्ती। ये अंडमान निकोबार द्वीप से, अब शायद आप भी इसका नाम सुने होंगे। अंडमान राजधानी क्या इसका पता है? पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये हो गई, ये कहाँ है? लक्षद्वीप। और ये क्या है? अरे, इनकी भी सीमा तो समुद्र से लगी है, मतलब भारत के कुल समुद्री सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये बस्ती है मुख्य भूमि, इसको कहते हैं मुख्य भूमि। तो जो मुख्य भूमि की कुल सीमा रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी? अच्छा, उसमें से भी इधर वाला जो है उसका नाम सागर है। कौन सागर? अरब का सागर, अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल का गढ़ा, सॉरी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। गढ़ा मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट में यही पूछ लिया था, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है, इस बार पूछ दे बंगाली खाड़ी से लगती है, तब क्या करेंगे? जानते तो रहना चाहिए, हम जानते थे हमारा सही हुआ, आप जानेंगे तो आपका भी सही होगा। ठीक, अच्छा देखते कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र को स्पर्श करती है। 9 राज्य हैं। कितने राज्य? इधर वाले को जो अरब सागर से लगते हैं उन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। इधर वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट का स्पर्श करते हैं उनको देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्षेत्र है गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा बच्चा जैसा है पिद्दी सा गोवा, जानते तो है आप। ठीक, फिर क्या है? कर्नाटक, केरल। ये भारत के 5 पश्चिम घाट के राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट को अर्थात अरब सागर को स्पर्श करती है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 2 प्रश्न यहां से और बनेंगे। पहला, सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात। कौन सा? गुजरात। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य पश्चिमी घाट से बन गए। उसके बाद पूर्वी घाट में आते थे, यहां मिलेगा आपको तमिलनाडु। क्या मिलेगा? तमिलनाडु। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश,
अंधा नहीं, आंध्र प्रदेश, कुछ लोग कह रहे अंधा प्रदेश, ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी घाट के चार राज्य, पश्चिमी घाट के पांच राज्य, मिलाकर नौ भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्र सीमाएं बनती हैं, समुद्र तट है, और ये बंगाल खाड़ी को स्पर्श करने वाले भारत के चार राज्य दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रमशः तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर ओडिशा, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। उत्तर से दक्षिण पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अच्छी तरह पश्चिमी घाट में कुल नौ राज्य हैं। अगर इनकी कुल सीमा रेखा पूछा जाए तो 6100, लेकिन साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। जबकि इसके पहली क्लास से हमने देखा था कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 15200 पूरी स्थल सीमा की लंबाई। ठीक, हमने क्या देखा कि भारत के नौ ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्र तट सीमा लगती है, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दो प्रमुख वैसे केंद्र शासित प्रदेश और भी हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। लेकिन इतना हम लोग को डीप में नहीं पढ़ना है, कौन सा आप लोग का अधिकारी बनना है, प्राइमरी का मामूली मास्टर ना बनना है, सॉरी सहायक अध्यापक बनना है ना। ठीक, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक कोई समस्या अगर आपको नजर आती हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, क्या फिर से बता दें, क्या नहीं समझ में वही फिर से बता दें। ठीक, उसके बाद अब क्या बताना है, इधर वाला, हाँ बताएं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और क्या नहीं समझ में, बताइए। वो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे इधर पढ़ते जाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे इधर से, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, वो आपके ऊपर, नीचे से ऊपर मैंने दक्षिण सुनता है जो ना समय वो पूछा करिए, अगर पूरा कहेंगे तो क्या क्या बताएंगे दोबारा। ठीक, हाँ तो वही पूछा गया जो कन्फ्यूजन हो, डायरेक्शन बता दें, ईस्ट वेस्ट, लीजिए डायरेक्शन भी बना दिया हमने, बस कोई समस्या यहां से समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछे क्या नहीं आया, ताकि हम भी आपको फंसाएं, आप लोग हमें बजा देते हैं। तो अब आगे आते हैं, अब यहां से कुछ दो चार प्रमुख खाड़ियां उसको पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पानी है तो बंगाल की खाड़ी, अच्छा एक प्रश्न उठता है, एक खाड़ी किसे कहते हैं, बताइए, अब तेजी बताइए कि यहाँ तक भी आए। हाँ, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो वह स्थल खाड़ी कह रहा है, सही है, आप बताइए खाड़ी किसे, आप बताइए। हाँ हम, बैठ जाइए, वह जली क्षेत्र जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बंगाली खाड़ी हो गई। एक दिन बता दो थे, ये है आपकी कौन सी खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, खंभात कच्छ। अगर खाड़ी बड़ी होती है उसकी अंग्रेजी यूज करते हैं बे, क्या यूज करते हैं, बे, बे, बे माने, ठीक, गल्फ। जब खाड़ी छोटी होती है जैसे गल्फ ऑफ खंभात, माने खाड़ी छोटी, गल्फ ऑफ कच्छ खाड़ी छोटी है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी, प्रायद्वीप इसे कहते हैं,
वह स्थल क्षेत्र जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। भारत क्या है? प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। आगे देखते हैं, इसके अलावा भी क्या भारत में कोई खाड़ियां हैं? ढेर सारी हैं। बताइए नाम दो चार क्या हो। बताइए आप लोग पहले पूछते, हम भी कहते हमको भी याद नहीं है, मजबूरी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मस्ट हो गई नहीं करता, लेकिन आप लोग के लिए सारा सारे कसूर माफ है, नहीं याद है। आप लोग पूछे हम ना बता पाए तब कहेंगे मस्ट हो गया, इवे नहीं करता। चलिए अब आते हैं, देखते हैं इसका नाम क्या है। एक देश है, उसकी नई राजधानी नहीं पूछेंगे, नई राजधानी नहीं पूछेंगे, ठीक। आप हो सकता है पुरानी बता दे, इसलिए नहीं पूछेंगे, आप देख लीजिएगा नेट पे। अब आते हैं, थोड़ा सा हिस्सा काट के निकालते हैं, जब इस तरह से नीचे का हिस्सा पड़ते दक्षिण भारत, तो तमिलनाडु के पास जाते देखते हैं यहाँ छोटा सा हिस्सा से निकला हुआ है, हाँ इसे द्वीप कहते हैं, ऐसे तिकोना हिस्सा निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ छोटा सा, यहां से देखेंगे मैप में जूम कर देखेंगे, ठीक, उसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम? पंबन, पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। ये पूरा पंबन द्वीप होता है। अच्छा, पंबन द्वीप में यहां पे एक स्थान है जहां पे हिंदू धर्म की प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है, रामेश्वरम। रामेश्वरम का संबंध किस भारतीय महापुरुष से है? रामेश्वरम से। अब ये मत कहिए पुरुषोत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी, किसी वैज्ञानिक का, हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहीं पे रामेश्वरम, रामेश्वरम और रामेश्वरम के आगे यहीं पे एक स्थान है, इसका नाम है धनुषकोड़ी। क्या नाम है? धनुषकोड़ी, धनुषकोड़ी। अच्छा, धनुषकोड़ी से लेके ये श्रीलंका, माना श्रीलंका है, जूम किए हैं, श्रीलंका को जूम किया गया, ठीक, जूम करेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। तो धनुषकोड़ी से लेके यहां तक श्रीलंका के तलैया मन्नार, क्या है तलैया? धनुषकोड़ी से लेके तलैया मन्नार तक एक प्रवाल भित्ति की पट्टी है। क्या है? प्रवाल भित्ति की पट्टी है। अब आगे देखते हम लोग, तो हमने देखा धनुषकोड़ी से लेकर तलैया मन्नार तक एक प्रवाल भित्ति की, ये प्रवाल भित्ति क्या होती है? एक नया शब्द आ गया। तो पूरे ग्लोब, ये ग्लोब जानते हैं, ये जो पतला सा चौड़ा सा होता है, हाँ पतला सा चौड़ा होता है ग्लोब, देखेंगे नहीं आप लोग, ऐसे मास्टर बनेंगे, ग्लोब का नहीं पता कैसा आकार का होता है, गोला होता है, हाँ तो हाँ में हाँ मत मिला के, क्योंकि आप लोग मास्टर हैं, हम गलत बोल देंगे तो आप लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब पर एक रेखा खींची गई थी, इसका नाम था 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 3.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 3.5 डिग्री नीचे, इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सूर्य का प्रकाश यहाँ हमेशा पड़ता है इस क्षेत्र पर। एक प्रवाल, एक जीव होता है मूंगा, जिसे अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, क्या कहते हैं? यही पाया जाता है, कहाँ पे? इसी क्षेत्र में जहाँ समुद्र छिछला होता है वहीं पे जीव होता है। अच्छा, जहाँ रहता है ये मधुमक्खी जानते हैं, इसे आप बर्रे कहते हैं, बर्रे अलग होता है, हाँ अलग होता है, मधुमक्खी जहाँ रहता है अकेल रहना पसंद करता है, 2 ठो 4 ठो 10 ठो, अरे झुंड में रहता है यार, बोलना चाहिए आप लोग को, कई मधुमक्खी अकेल देखे रहते हुए, जहाँ रहते हजारों संख्या में रहते हैं, आप लोग कह रहे हाँ, वो जहाँ रहता पूरे खानदान के साथ रहता, दादा परदादा नाना परनानी सबके साथ। तो उसी तरह प्रवाल भी जहाँ रहते हैं वहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। ऐसे प्रवाल बहुत बड़ा अध्याय सारगण ने बता रहे हैं। तो जहाँ पे प्रवाल रहता है तो एक घोंगा, देखिए आप लोग घोंगा, वो जमीन पे जो भागता है, घोड़ा नहीं,
घोंगा, हाँ आप लोग भी ना ऐसे होता है। ऐसे जो होता है घोंगा अलग घोड़ा समझिए भागने वाला, हाँ ये खोल में रहता है। क्या खोल को क्या कहते हैं? कौन कौन कानी कौन, हाँ हाँ कौन सा होता है कौन, कैल्शियम कौन सा कहते हैं? हाँ कैल्शियम, फिर से पढ़िएगा एक बार और कल आके बताइएगा। हाँ चूना का क्या है रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। किसमें? कौन? गूंगा नहीं यार, अरे भाई साहब हम कोरल की बात कर रहे हैं। कोरल माने प्रवाल, प्रवाल माने मूंगा। ठीक, तो ये एक जीव है, इसकी लंबाई 2.5 इंच से 3 इंच तक होती है, इसके 750 ज्ञात प्रजातियां हैं, संकट ग्रस्त है। वो सबसे क्या मतलब? तो जहां रहती हैं छिछले समुद्र में रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पैदा हुआ उसके ऊपर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चूना खाते हैं, चूने में रहते हैं, चूने में मर जाते हैं। मतलब भाई लोग कुछ कहते हैं ना, गरीबी में पैदा होना, गरीबी में रहना, गरीबी में बाद में मर जाना, फिर गरीब पैदा करना, वही हाल यहाँ पे है, चूना वाला है। और जहाँ रहते करोड़ों की संख्या में रहते हैं, और ये तब तक ऊपर नहीं आते जब तक सत्ता न मिल जाए, सत्ता तक आ जाते समुद्र, उसके बाद ही ऊपर पनपते, और इसी के जम जाने से द्वीप का निर्माण होता है। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले किसी पूछा था लक्षद्वीप की राजधानी, याद है आप लोग? पूछे थे कि नहीं पूछे थे? नहीं पूछे थे तो बताइए क्या है? नहीं पता, कवरत्ती। तो लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो जमीन पर नहीं है, प्रवाल पर है। किस पर है? ये प्रवाल वहां जमीन नहीं है, प्रवाल द्वारा बनाया गया जमीन है और वहां प्रवाल। अच्छा हाथ तो तब हो गई, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की पट्टी है, कई हजार किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर चौड़ी है, प्रवाल भित्ति की पट्टी है। कहां पाए जाते? जहां समुद्र से चलाओ। स्थान कहां है? इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक, इसके बाद की घटना जान लीजिएगा, जहां प्रवाल होते हैं वहां पे छोटी मछलियां बहुत आए पाई जाती हैं। अरे छोटी मछली कहां पाई जाती हैं? दो कारण। पहला कारण, मादा मछलियां अंडे देने के लिए। अच्छा अंडे से याद आया, आपके सिलेबस में है, कौन सा जीव अंडा देगा, कौन सा बच्चे को जन्म देगा, ये उसकी पहचान दो है। ये सीटीटी में इस बार पूछा भी था। हाँ बाय कान और, तो हमने ये देखा जहां भी रहते करोड़ों की संख्या में रहते हैं, तो छोटी मछलियां दो कारण पाई जाती है। तो मादा मछलियां अंडा देने के लिए जाती हैं, क्या करने के लिए? आज जहां अंडा देंगे तो बच्चे वहीं से निकलेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं अंडा दिए जौनपुर में बच्चे निकलेंगे कलकत्ता में जाके, ऐसे चल नहीं है ना। तो वहां पे वो सुरक्षित स्थान के से दो प्रवाल भित्ति के चट्टान बीच में घुस जाती है, अंडे दे देती है, तो बच्चे वहीं होते हैं। तो वहां पे क्या पाई जाती है? छोटी, एक कारण। दूसरा कारण, जैसे बेचारा प्रवाल रहता है खोल में पैक रहता है, तो भोजन करने के लिए मुंह निकालता है, भोजन करने के लिए निकालता, तो मछली तुरंत क्या करती है? उसको मुंह बेचारा निकाल के खा जाएंगी। तो मछलियां अपना शिकार करने के लिए वहां पे रहती है, कहां पे? जहां प्रवाल है। तो छोटी मछलियां दो कारण पाई जाती है, एक तो अंडे वाली, दूसरी पड़ोसी वाली भी, कि वहां भोजन व्यवस्था है। चलो जैसे कहते हैं गांव में भंडारा है, अच्छा पूड़ी है, अच्छा ये भी जानते ना पूड़ी का मतलब, अच्छा पूड़ी बढ़ता है लड्डू बढ़ता है, तो पूड़ी बटना माने ठंडी में और लड्डू बढ़ता है गर्मी में। चलिए तो ये जो प्रवाल है उसको खा जाते हैं, इसे वहां मछलियां छोटी पाई जाती हैं। अच्छा छोटी मछलियां पाई जाएंगी वहां, बड़की बड़की मछलियां पाई जाएंगी, कहाँ है? छोटी मछलियां खाने के लिए। ठीक, तो मछली खूब पाई जाएंगी, और जहां मछली खूब पाई जाएंगे वहां मनई खूब पाए जाएंगे। अच्छा मनई किस लिए? मछलियों का शिकार करने। अच्छा मछलियों को शिकार किया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है? अच्छा शिकार नहीं किया जाता। हाँ अच्छा मछली मारी जाती है, शिकार की जाती है, पकड़ी जाती है? अच्छा पकड़ी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ढेर सारे मछली पकड़ने वाले कहाँ पहुंचेंगे? अब मछुआरे दिखेंगे।
अच्छा वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, कहाँ पे? जैसे आप मास्टर हो गए, कल्पना करिए अध्यापक हो गए, महीने की तनख्वाह 40,000, साल की 5 लाख, ठीक 10 साल में 50 लाख, 20 साल में 1 करोड़, पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? तो जाएंगे घूमने, तो कुछ लोग पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा सूर्य का प्रकाश ऊपर चमकता है तो जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो अंदर ऐसे लगता है जैसे सपा और भाजपा का झंडा। अब कलर बता, अच्छा बता दिए, कभी लाल दिखता है कभी हरा दिखता है, चाहे सपा का चाहे भाजपा का झंडे जैसा। आप बीच बीच में जब गति तेज हो जाती है तो सुनहरा नजर आता है। कुछ लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो आप मौका मिलेगा, मतलब मौका नहीं, अध्यापक होइएगा पैसा मिलेगा तब भी जाइएगा, ठीक है? तो ये हो गई प्रवाल। तो कहेंगे इससे क्या मतलब, हम लोग को तो पढ़ा रहे थे द्वीप। तो याद आया यहाँ से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार से लेके रामेश्वरम या पंबन द्वीप के धनुषकोडी, जैसे आपके घर से कोचिंग, कोचिंग घर से आपका घर, दोनों दूरी बराबर है। पहले हमने क्या कहा, धनुषकोडी से लेके तलैया मन्नार या तलैया मन्नार से लेके एक प्रवाल भित्ति की पट्टी है। जब मैप में देखेंगे तो हल्का व्हाइट कलर दिखता है, मतलब छिछला है, और वहाँ पे प्रवाल है। जो प्रवाल है तो गहराई क्या होगी? तो ये मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी यही पे चढ़कर, मतलब इसी पर से चढ़कर श्रीलंका पे रावणों को मारे थे। कहाँ से? यहीं से गए थे। इसलिए इसको कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु, नाम सुना होगा आपने। हाँ यही है जहाँ पे एक ठो नल और एक ठो नील पत्थरे पे नाम लिखे रहे राम, और यही पौड़त रहा, ठीक। आगे देखते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ से भगवान रामचंद्र जी गए थे माता सीता को लाने के लिए, इसलिए इसका नाम राम पड़ गया, राम। अच्छा इसे आदम का पुल कहते हैं। ये किस धर्म से संबंधित है? आदम का पुल, एडम ब्रिज, इस्लाम धर्म वाले भी मानते हैं। कहेंगे ये सब कहीं पढ़ा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। राम सेतु के उत्तर में जो खाड़ी बनती है उसे कहते हैं पाक की खाड़ी। क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। से कभी पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा कि पाकिस्तानी खाड़ी है। पाक की खाड़ी कहाँ है? देख रहे हैं ना, राम सेतु के उत्तर में, और राम सेतु के दक्षिण में जो पानी है इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। किसकी खाड़ी? और ये जो जल संधि है इसे कहते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में जो पनिया वाला संधिया है इसे कहते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक। पाक जल संधि या पाक जल डमरू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यही इतना बताने के लिए घोंगा सोमा कुल बनाओ पड़ेगा। बताना क्या था? राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, और इस जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। बस बात खत्म हो गई। इतने बताने के लिए इतनी लंबी कहानी पढ़ानी पड़ी, ठीक। एक बात और पता हो गया, लक्षद्वीप माटी के नहीं बना है, प्रवाल से बना है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर साइड, वो भी इसी का बना हुआ है, ठीक। ये लोग फायदा देते हैं, मछली देते हैं, सुरक्षा करते हैं, मछली जानते हैं ना। कोई समस्या अगर आपको और पूछ लीजिए, वरना आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, कल अगले दिन पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी क्लास 25 मिनट की या 30 मिनट चली और 30 मिनट में कहाँ समझ में आएगा, वो ज्यादा मसाला आपको मिल जाता है। हम लोग तो लेक्चर देते हैं, आप भी जानते हैं, आप सभी, ऐसा नहीं किताब देख के पढ़ाना हमारे जीन में ही नहीं है, हो ही नहीं पाता हमसे। पता नहीं सब किताब देख के लिखवाते, कपिया देख देख लिखवाते हैं, इसीलिए आप वो नहीं रखते, क्या कहते हैं उसे, हाँ वही, ताकि कोनो मास्टर ना रखने पाए, ठीक। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा सभी को, और टेलीग्राम जरूर इंस्टॉल करके सर्च कर लीजिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दे, क्योंकि कभी कभी वीडियो अपलोड करते थे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचती, 10 वीडियो डालते तो ये वीडियो आपके पास पहुंच पाता, 8 पता नहीं चलता, आप सोचते हैं सर वीडियो ही नहीं डाले। उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, इलेनी भी दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा, और हर जगह गूगल में भी मारिएगा सर तो भी आ जाएगा इलेनी भी दुर्गेश। और कोई समस्या हो तो बताइएगा। ऑनलाइन क्लास नोट्स इसकी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, और ये जौनपुर से क्लास संचालित हो रही है इस समय 6306304367।
कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए है। ठीक, सभी को शेयर कर दीजिएगा और आपकी इच्छा हो तब, नहीं इच्छा हो तो भी मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्रमशः और आगे पढ़ते रहेंगे, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है पर्यावरण के साथ साथ।